लौके भी नहाने गया है। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं छुपके छुपके जब मैं शॉपिंग करने गया था ना, तो मैंने अपने लिए आइसक्रीम लेकर रखी हुई थी, सुन ना ले कहीं वो, और मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है अपनी आइसक्रीम शेयर करने का। और इस तपती गर्मी के अंदर आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे। इससे पहले कि लॉबी आ जाए ना, मैं फटाफट से कटक लेता हूँ। ये देखो वो भी वनीला वाली। ओके अभी मैंने एक निकाल लिया और बाकी इसको मैं फ्रीजर के अंदर यहाँ छुपा देता हूँ। ओ भाई साहब, नहाने का तो ऑनेस्टली मजा ही आ गया यार। इतनी गर्मी में गाइस ठंडे ठंडे पानी के साथ नहाने का मजा ही कुछ और है। पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठूं और मस्त सा टीवी देखूं। हैंग ऑन अ मिनट, ये क्या है भाई, केचप की बोतल के नीचे भाई। अगर मैं इसको हटा के देखूं तो वे बहुत पत्तेरी, ये तो नीचे गिर गया। लेकिन भाई ये क्या है, वनीला आइसक्रीम, ये कौन खा रहा है भाई। हमारे घर के अंदर का इस वनीला आइसक्रीम पड़ गई है, ये तो मुझे पता ही नहीं है यार। मे भी चपाती भाई खा रहे हैं। और चपाती भाई कितने बैठे हो है, कहाँ पे छुप के आइसक्रीम मार रहे हो मेरे बिना। मे भी गाइस बेडरूम के अंदर होंगे। ये रहे चपाती, अच्छा यहाँ पर नहीं है यार, यहाँ पर तो नहीं है भाई। मैंने आपको पकड़ लिया भाई, आपके पास आइसक्रीम कहाँ से आई भाई, आपके मुंह में क्या भाई, मैंने अभी देखा आपको कुछ कुछ है, चलो बता दो भाई कहाँ पर पड़ी है। ओ ये नहीं भाई, आपको तो यार आइसक्रीम कहाँ से आई, चप्पल भी है, ये रहे दो भाई नीचे। भाई आपके पास आइसक्रीम कहाँ से आई, ये एक ही थी, मैं खुद लेके आया था। एक ही है यार, अभी मैं क्या करूंगा यार, इतनी गर्मी में मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। काम कर, तू बर्तन मांज ले, ठंडे पानी से मांजती हो तो मस्त मस्त धोएंगे मस्त। रहने दो भाई, ये बर्तन मांजने का काम मैं नहीं करता, जाओ भाई आइसक्रीम लेकर आओ मेरे लिए भी। भाई साहब मैं तो यार सही ट्रोल हो गया यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे नहीं मानने वाले। काम करते हैं, चलो भाई मेरे पास मस्त वाला आइडिया है, चैलेंज करते हैं यहाँ पे। और चैलेंज होगा हाइड एंड सीक का, और जो जीतेगा लूजर को उसके लिए आइसक्रीम लेकर आनी पड़ेगी। ये क्या कर, क्या कर रहे हो भाई, आपको दूसरी आइसक्रीम नहीं चाहिए भाई, एक ही दिन में दो दो आइसक्रीम। अच्छा उसको दूसरा बंदा आइसक्रीम ला के देगा और जो हारेगा वो बर्तन मांजेगा, ठीक है। ठीक है चलो, आपको 10 मिलियन तक गिनना है, ठीक है ना। ओके गाइस, अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पर छुपना है। और चपाती भाई ने तो गाइस बोल के भी रखा है कि उनको इस घर का कोना कोना पता है। मैं जरा चेक कर लेता हूँ चपाती भाई की आइसक्रीम कहीं खत्म तो नहीं होगी ना। ओके गाइस, अभी तक चिल मार रहे हैं, चिल मार रहे हैं। मैं यहाँ पर जिंदगी का मजा ले रहा हूँ, उसको हाइड एंड सीक की पड़ी हुई है, छुपता रहा मैं तो क्या। कहाँ पर छुपूं, कहाँ पर छुपूं गाइस, टेबल के नीचे भी यहाँ पर जगह नहीं है गाइस। अगर मैं टेबल के नीचे छुपा तो चपाती भाई लिटरली मुझे दूर से देखेंगे। ये वनीला फ्लेवर जैसे मुंह के अंदर घुसता ना है। ओह जिंदगी यार, ये वाली जगह ऑलराइट लग रही है अगर मैं इसके पीछे देखूं। लेकिन यार इस गैप के अंदर गाइस मैं फिट आ ही नहीं पाऊंगा यार, यहाँ पर तो मुझे जगह मिल ही नहीं रही है। अगर गाइस मैं ये वाली अलमारी देखूं तो आई थिंक ये अलमारी यहाँ से लॉक्ड है, और आई थिंक अंदर एक्चुअली सामान भी पड़ा हुआ है। लेकिन फियर नॉट गाइस, क्योंकि मुझे एक जगह अभी तक पता है जो मैंने अभी तक दिखाई नहीं है, और वो है बिल्कुल मेरे पीछे। यहीं पे हाथ धो लेते हैं, अभी अंदर कौन जाए यार। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली अलमारी एकदम से परफेक्ट है। ये देखो, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो मैं ये वाला फट्टा एक्चुअली यहाँ से ऐसे निकाल भी सकता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ, इसको मैं ऐसे यहाँ पर खड़ा कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर छुप जाऊंगा। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। अभी मुझे इसको ऐसे करना है बंद। अरे यार मैं इसके अंदर गाइस छुप ही नहीं पा रहा, ये तो एक्चुअली बहुत ज्यादा छोटी है। बाहर से कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है लेकिन अंदर से वाकई बहुत ज्यादा छोटी है। तो इसको मैं फिर से बंद कर लेता हूँ। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहीं ना कहीं तो गाइस यहाँ पर एक और जगह बनी होगी। एक काम करते हैं, फिर से गाइस मैं अभी इस कमरे के अंदर आ चुका हूँ और मुझे एक्चुअली चेक करना है कि क्या इस अलमारी के अंदर वाकई सामान है या नहीं। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई मैं इसके अंदर गाइस एक्चुअली छुप सकता हूँ। एक काम करते हैं, चलो भाई कोशिश करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बैठ जाऊं और इस दरवाजे को ऐसे मैं बंद कर लेता हूँ, ये अभी एकदम से परफेक्ट है। ओके, अभी अपनी गेम शुरू होती है, द गेम ऑफ कैट एंड माउस। आए ओए, तो चूहा यहाँ पर छुपा हुआ है, मुझे इसको ढूंढना है। लॉगी पाती भाई की आवाज भी गाइस मुझे आ रही है, तो मुझे जल्दी से पहले ये दरवाजा बंद करना है। तो अभी मैं इसको ऐसे बंद कर लेता हूँ और अभी मैं लिटरली यहाँ पे लॉक्ड हो चुका हूँ। और भाई कितनी छोटी सी जगह यार यहाँ पे। थोड़ी बहुत गेम हार्ड हो रही है मेरे लिए भाई, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है मुझे यहाँ पर कितनी देर तक बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दरवाजा से हल्का सा खोल के देखूं, मुझे चपाती भाई की आवाज भी आ रही थी, आई थिंक वो घर के अंदर घुस चुकी है। नहीं छुपा होगा किचन के अंदर।
यहाँ पर भी नहीं है यार। कीतन मर गया यार, ये कहीं छत के अंदर घुस गया क्या? ये छत के ऊपर भी जगह नहीं है तो आई डोंट थिंक कि वहां पर भी जा पाएगा वो। और भी हमने एक बेडरूम तो चेक किया है, अभी देखो उनको, आई थिंक वो अभी यहाँ पर आएंगे। वो ये वाला बेडरूम हमने चेक आउट नहीं किया रहा, मेरी जेंट बेड के नीचे होगी यार, पेंटिंग के पीछे क्या कुछ भी नहीं है यार। ये अलमारी मेरे को खुली हुई लग रही है। ओके, यहाँ पर फटे लगी है तो यहाँ पर नहीं हो सकता। ओके, मेरे को लगा था कि खिड़की के अंदर से शायद बाहर जा चुका होगा तो वहाँ पर भी नहीं जा सकता। लास्ट अलमारी घर की फाइनल अलमारी यही है। अरे यार मैं तो यहाँ से पकड़ा गया। चलो चपाती भाई, अभी आपकी बारी है। वो तेरी। अभी भाई आपके पास टाइम भी है, क्यों भाग रहे हो? वैसे गाइस चपाती भाई को यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया मुझे ढूंढने में, तो एक काम करते हैं, अभी गाइस मुझे जैसे अलमारी मिली थी सेम मुझे बिल्कुल वैसे ही बंद करनी है। भाई आइसक्रीम के लिए कुछ भी, आइसक्रीम के लिए कुछ भी, मेरे को पक्का पता है, मेरे को 100% खतरनाक वाली जगह पता, मैं वहां पर छुप जाता हूं। और यहां पर गाइस खड़ा होकर बजे एकदम से 10 मिलियन तक गिनना। तो गाइस चलो आपको भी गाइस मैं एक छोटा सा चैलेंज देता हूं, क्या हम पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे या क्या मैं पहले 10 मिलियन तक गिन पाऊंगा? तो हमारी गाइस छोटी सी रेस शुरू हो चुकी है। चपाती भाई को ढूंढना है। ओके, तो ये यहाँ से गया, इसका मतलब ये है कि अच्छे यार ये खिड़की बंद है, लेकिन ये यहाँ से गया तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से बाहर आएगा। मेरे को आराम आराम से जाना है यार, यहाँ पर बहुत बड़ा कैक्टस पड़ा हुआ, अगर इसके ऊपर पैर रख दिया ना तो गए हम लोग। पर एनीवेज यहाँ से देखते हैं खिड़की में से। अंदर है क्या? ढूंढो बेटा यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर तो नहीं होंगे भाई, यहाँ पर डिशवॉशर बना हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली गाइस डिशवॉशर के अंदर भी चपाती भाई नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर छुपूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं छुप सका, लेकिन चपाती भाई क्या छुपे हैं क्या? अच्छा नहीं है यार, यहाँ पर भी नहीं है। तो बेसिकली ब्रोस वहाँ पर ना, यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ है और वो घर के बाहर है, तो वहाँ पर नहीं आ पाएगा। अगर मैं खुद का पुराने वाला हाइडिंग स्पॉट देखूं तो अच्छा यहाँ पर भी नहीं है यार, लेकिन आई थिंक चपाती भाई एक्चुअली यहाँ पर आए थे क्योंकि ये वाला फट्टा मैंने यहाँ पे छोड़ा था। ओके ब्रोस, अभी टाइम पास नहीं करता क्योंकि मैंने देखा उसको, वो हर एक कमरा पागलों की तरह छान रहा है, आइसक्रीम के पीछे बंदा बौखला चुका है यार। ये वाली जगह काफी ज्यादा बड़ी मुझे लग रही है। अच्छा नहीं है यार, बेड के नीचे है क्या? बेड के नीचे भी नहीं है यार चपाती। अच्छा ये लिटरली गाइस फाइनल अलमारी है जो मैंने देखी ही नहीं, तो डेफिनेटली ये रहे चपाती। अच्छा नहीं है यार, यहाँ पर भी नहीं है। ओके ब्रोस, मेरे को छुपना वहाँ पर था, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक और खतरनाक चीज मिली हुई है। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? ओए ये लिटरली वाइन बनाने की जगह है, खाली है क्या? I think भरे हुए हैं ये बैरल्स। भाई कहाँ पे चले गए यार चपाती भाई? मैंने लिटरली गाइस हर एक घर का कोना कोना मैंने छान मारा, लेकिन चपाती भाई मिले ही नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे गाड़ी जो यहाँ पर लॉक्ड है, क्योंकि गाइस इसके शीशे भी अंदर हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। ओके, अभी मुझे बैरल्स को हाथ में लगाना, चुपचाप यहाँ पे छुप जाते हैं, उसको कभी पता नहीं लगने वाला। ये वाला कोना तो मैंने अभी तक चेक किया ही नहीं है यार घर का। यहाँ पर डेफिनेटली चपाती भाई मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली ऑलराइट वाली हाइडिंग स्पॉट है। थे हैं चपाती भाई। अरे यहाँ पर दरवाजा बना हुआ है, तो क्या इस दरवाजे के अंदर है क्या? यार ये तो लॉक्ड है। तो जब तक वो आता है ना यहाँ पर, इधर बैठ के हल्की हल्की धूप भी सेक लेते हैं यार। और गाइस मुझे अभी याद आया है, हमारे घर के उस साइड पे बार में छोटा सा स्टोरेज रूम बना हुआ है, तो मे बी चपाती भाई वहीं पर रहे। लेट्स गो, अभी मुझे बिल्कुल वहीं पर जाना है। मेरे को लगा था कि वो इस तरफ से आएगा, लेकिन नहीं, उसने उसको टोल्ड किया, उस तरफ से आ रहा है। और ये रही गाइस हमारी फाइनल जगह, ये तो मैंने अभी तक सर्च की ही नहीं है। ये देखो बार भी, ये देखो स्पेनिश में कोठा लिखा हुआ है। कहाँ पर वो चपाती भाई? मुझे पता है यहीं कहीं छुपे हुए हो। हेलो, गंदा ट्रोल भाई, यहाँ पर भी नहीं है भाई, दरवाजे के पीछे नहीं है। वो कहाँ पर है यार चपाती भाई, कहाँ भाग गए? ये रहा, ये रहा पागल लगे तरह मेरे को ढूंढ रहा है। ये रहा, अरे उसने मेरी फोन देख ली। ये सामने वाले दरवाजे मुझे खुले लग रहे हैं, और ये वाली जगह तो मैंने अभी तक घर में देखी ही नहीं है यार। यहाँ पर लिटरली गाइस इस घर के अंदर सीक्रेट दरवाजे बने हुए हैं। चपाती भाई यहाँ पर हो क्या? हेलो
आई थिंक चपाती भाई यहीं कहीं होंगे। बैरल की भी अच्छा ये रे, लेट्स गो, मैंने आपको पकड़ लिया। भाई मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये जगह भी घर के अंदर है। ओके तो तुमने मेरे को ढूंढ लिया, मैंने तेरे को ढूंढ लिया, इसका मतलब ये है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा और तू बर्तन मांजेगा। रहने दो भाई, ऐसा नहीं होता, आपको पता ना भाई, ज्यादा टाइम आपने लगाया, इसका मतलब ये की अब हार गए। चलो 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 चपाती भाई, अभी आपको जाकर यहाँ पर वॉशिंग करनी है। भाई मैं तो आइसक्रीम लेने आ रहा हूँ। ये वाली जगह तो मैंने वीडियो में भी चेक की थी, फिर भी मुझे आइसक्रीम नहीं दिखी। तो इसका मतलब ये कि चपाती भाई ने भाई लिटरली मुझे ऐसे ही थका के आइसक्रीम दे दी। और वैसे यार अगर यहाँ पर धोने के लिए आइटम्स देखे तो लिटरली सिर्फ एक प्लेट पड़ी हुई है यार, तो इतना ज्यादा काम तो है ही नहीं, बाकी सब तो ऑलरेडी यहाँ पर साफ है। यहाँ पर ऐसे चिल मार के आइसक्रीम का मजा उठाता हूँ। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी, तो होप यू एंजॉयड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।